इसी लखनऊ में हमारे मामा जी रहते थे, और जहाँ इस समय OCR में मैं रहता हूँ, अभी वही फ्लैट है विधायक वाला, उसके बगल में मृत्युंजय भवन हुआ करता था, अब वो कोई होटल बन गया है, किसी को उन्होंने बेच दिया मामाओं ने। तो मैं फोर्थ मैंने यहीं से किया है लखनऊ से। तो हमारे पिताजी वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे मामा जी, पिताजी हमारी जन्मपत्री दिखा रहे थे, तो बोले ये तो मंत्री बनेगा। तो हमारे घर में कभी किसी ने राजनीति नहीं की। पिताजी बोले क्या मतलब है, राजनीति थोड़ी करानी है इसको, तो कहीं कौन नौकरी करेगा, कैसी करेगा ये बताओ। बोले भैया मैं कुछ नहीं जानता, ये कह रही है मैं बता रहा हूँ। तो अब बचपन में, कहा बचपन की बातें याद रहती हैं, संस्कार पढ़ते तो एक धुन सवार हो गए कि मुझे तो मंत्री बनना है, ये बैठ गया। हालांकि जब बड़े हुए तो समझ में आ गया कि मंत्री बनना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है डगर फनगट। तो लेकिन नियति जहां ले जाती है, मैं PCS पास कर गया था MP का, इंटरव्यू लेटर आ गया था। छात्र राजनीति वो दौर पे थी हमारे उस समय कि हम SSP को यूं करके बुलाते थे, जरा बस सुनो हमारी, क्योंकि छात्र शक्ति इतनी पीछे हमारे थी, SSP आता था। तो हम सोचते थे कि जब हम जरा से छात्र नेता है SSP, तो नेता तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बाद में समझ में आया कि छात्र राजनीति का ग्लैमर अलग है, उस ग्लैमर के मुकाबले कोई राजनीति नहीं, छात्र राजनीति का ग्लैमर अलग ही है, बड़ी बड़ी हस्तियाँ झुकती हैं छात्रों के आगे। तो क्या किया मैंने, अपना वो इंटरव्यू लेटर छपा दिया, पिताजी को बताया ही नहीं, मार पीट के भेज देते कि जाओ नौकरी करो। तो नियति जहां ले आई वहां ले आई। धन्यवाद सर। राजनीति एक तरल पदार्थ की तरह है, जैसे ये देखिए ये पानी है, बोतल में रखा बोतल का आकार कर लिया, गिलास में डालेंगे गिलास का आकार हो जाएगा, घड़े में डालेंगे घड़े का आकार हो जाएगा। तो राजनीति किन पात्रों के हाथ में जा रही है, राजनीति वैसी हो रही है। लाभ के हाथों थी, भक्ति थी, मेरी बात को राजनीतिक रूप से मत लेना आप लोग, मैं जिस दल का हूं उसकी बात तो करूंगा ही, लेकिन हकीकत है, और मेरे एक एक सेंटेंस को तुकबंदी मत समझना, यथार्थ है। राजनीति राम के हाथों थी, भक्ति थी, कृष्ण के हाथों पहुंची, युक्ति बनी, कृष्ण ने हर काम युक्ति से किया। रावण के हाथ पहुंची, शक्ति बनी, इंदिरा जी के हाथ पहुंची, आसक्ति बनी। कोर्ट ने कह दिया आपका चुनाव गलत है, लेकिन इमरजेंसी लगानी पड़ी देश में, मेरी कुर्सी सुरक्षित रहे, आसक्ति बनी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जैसे हाथ पहुंची, विरक्ति बनी। मायावती के हाथ पहुंची, संपत्ति बनी। मुलायम सिंह के हाथ पहुंची, समाज के लिए विपत्ति बनी। और जब मेरे नेता मोदी के हाथ पहुंची तो राष्ट्रभक्ति बनी राजनीति।